हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बुक में पेज नंबर 44 पर लेसन नंबर 10 गेटिंग टू नो इंडिया यानी भारत की पहचान, यह लेसन आज हम रीड करने वाले हैं। ओके, सो इस लेसन में हम देखेंगे आज मेक फ्रेंड विथ मैप्स यानी अपने जो फ्रेंड है, अपने मित्र है, अपने फ्रेंड है, उनसे अपने जो मैप है जिसको मानचित्र कहते हैं, वह मित्रता से यानी अपने फ्रेंड्स के रूप में हमको, जैसे हम अपने फ्रेंड से बातें करते हैं वैसे ही जो मैप है इस मैप को अपना मित्र, अपना फ्रेंड समझना है। ओके, तो आज हम मानचित्र से मित्रता यानी अपने मैप से फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं वह देखेंगे कि कैसे हम मैप से अपना मैप को अपना फ्रेंड बना सकते। ओके, सो हमको यहाँ पर मैप दिए हुए है, यहाँ पर हमें दिख रहा है इंडिया मेजर रिवर्स है ना, यानी इंडिया की जो मेजर रिवर है यानी इंडिया की जो प्रमुख नदी है जिसको कहते हैं उसके बारे में हमको यहाँ पर मैप दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो यानी हमको नीचे में भारत का मैप दिया है वो देखना है। इट शोज द डिफरेंट रिवर्स इन इंडिया, इस मैप में हमें डिफरेंट अलग अलग प्रकार की अलग अलग डिफरेंस हमें रिवर या नदियां दिखाई गई है। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ सम ऑफ द नेम्स और हमें इनमें से जो कुछ नदियां हैं, कुछ रिवर है उनके नाम हम हमेशा सुनते और पढ़ते भी आते हैं। दे आर ऑफन मेंशन इन पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, यहाँ तक कि जो कुछ नदियां हैं उनके देशभक्ति पेट्रियोटिक सॉन्ग्स यानी देशभक्ति वाले जो गाने हैं उनमें भी इन नदियों को मेंशन किया गया है। अवर कंट्री इज रिच विथ मेनी रिवर्स माउंटेन्स एंड प्लेटियोस और हमारे जो नदियां है, पर्वत है और प्लेटियोस है यानी पठार है, ये हमारे देश के क्या है, रिच है ना, कंट्री इज रिच, इसकी वजह से हमारा देश क्या बना है, समृद्ध बना है इन नदियों की वजह से, माउंटेन की वजह से और प्लेट्यू की वजह से। तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो कि अवर कंट्री इज रिच, हमारी कंट्री रिच हुई है मेनी रिवर्स की वजह से, माउंटेन्स की वजह से एंड प्लेट्यूज की वजह से। ओके, सम ऑफ देम हैव बीन शो ऑन द मैप और यहाँ पर हमें मैप में दिए गए नामों में से इनको हमें देखना है, हमें कुछ नाम जो है हमारे जो मैप दिया नीचे उसमें दिए गए है। विच ऑफ द नेम्स गिवन ऑन द मैप सीम फेमिलियर और हमें बोला है कि हमें मैप में दिए गए नामों में किन नामों से आपको पता है, आपने इसके नाम सुने हुई है, परिचित हो आप, वो आपको बताना है। वेयर हैव यू रीड अबाउट देम, इन्हें तुमने कहाँ पढ़ा है इस पर भी तुम्हें विचार करना है। ओके, ऑन द मैप एंड सर्कल द नेम्स यू नो और मैप में इन नामों के चारों ओर हमें क्या करना है, सर्कल बनाना है। ओके, तो आप लोगों के जो इंडिया का मेजर रिवर जो नदियां दी है, प्रमुख नदियां, इसमें से देखना है आपको, यहाँ पर आपको बहुत सारी रिवर नजर आएंगी, जैसे ये रावी है, ठीक है, सतलुज है, ये चिनाब है, ये दिख रहा है आपको, ये बारीक ब्लू अक्षर में दिख रहा हुआ है, आप यहाँ पे पूरे रिवर्स को देख सकती हो। ओके, यहाँ पे आपको पूरी रिवर दी है, जो ब्लू लाइन ब्लू लेटर में जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, रिवर है, यहाँ पर आपको बहुत सारे रिवर मिलेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर गोमती, ठीक है, यहाँ पर आप और देखोगे आपको बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ पर आप पढ़ोगे तो ये आपको पूरी रिवर है। तो आपको इस रिवर जो मैप है इस मैप में से क्या करना है कि जो रिवर दी है इस रिवर्स को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको जो रिवर आपको आपने इसके पहले पढ़ी है कहीं ना कहीं बुक में पढ़ी होगी या कहीं ना कहीं उसका नाम आपने मेंशन सुनाऊंगा, आप यहाँ तक कि आप जो राष्ट्रगीत बोलते हो राष्ट्रगीत में भी आपने बहुत सारे आपने जो राष्ट्रगीत बोलते हो उसमें आपको नदियां का नाम आता है ना, वो भी नदी आपको इनमें से ढूंढनी है। ओके, यहाँ पर नदियों देखना है इस मैप में आपको पेज नंबर 44 जो हमारे बुक में उसमें रिवर में रिवर जो दी है वो आपको ढूंढना है। ओके, अब यहाँ पर देखो आपको नॉर्थ नॉर्थ एंड ऊपर, साउथ एंड नीचे, वेस्ट एंड ईस्ट, ये आपको दिया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो यहाँ पर कौन सी नदियां किस वेस्ट में कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है, साउथ में कौन सी है, नॉर्थ में कौन सी है, ये इसके द्वारा आपको ये ढूंढना है। ओके, अब यहाँ पर नीचे में आपको किलोमीटर भी दिया है, 200
200, 400 and 600। और देखो ये इंडेक्स दिया है यहाँ पर इस तरह से, जो है ये रिवर है, जो आपको बताया मैंने ब्लू लाइन में ये रिवर है, तो आपको ये मैप में से रिवर पहचाने में आसान होंगी। जो इस तरह से किया है ये क्या है, रिवर का कॉलम है। ओके, तो आपको यह मैप में से देखना है। इसके बाद में आपको, अब हम पेज नंबर 45 पे बुक में देखेंगे यहाँ पर इंडिया फिजिकल, ठीक है, यानी भारत का प्राकृतिक वाला मैप देखेंगे। इसमें हमें ये मैप पर, मैप को देखकर हमें यहाँ पे नीचे में कुछ क्वेश्चंस दिए, ये क्वेश्चन के जो आंसर है वो इस मैप में से ढूंढकर ही हमें लिखना है। ओके, तो आपको, आपको मैं कुछ आंसर बता दे रही हूँ, आपको बाकी ढूंढना है। इसे यहाँ पे लिखा है स्टडी द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी जो हमारा जो फिजिकल वाला इंडिया का जो मैप है यह मैप केयरफुली देखना है और हमें जो कॉपी आंसर है, जो हमें क्वेश्चन पूछे इस क्वेश्चन के आंसर हमें अपनी कॉपी में ढूंढकर लिखना है। ओके, फाइंड करके लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फाइंड द माउंटेन्स एंड नेम देम, यानी हमें इस मैप को देखकर, इस मैप में हमें कौन से माउंटेन, कौन कौन से माउंटेन दिखाई देते हैं, माउंटेन यानी पर्वत, ठीक है। तो मैप में से हमें पर्वत माउंटेन को खोजना है और उनके नाम ढूंढकर लिखना है। जैसे यहाँ पर जो पर्वत है, माउंटेन है, पर्वत है, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है, इसमें से आप ढूंढोगे तो आपको यहाँ पर हिमालय माउंटेन दिखाई देंगे, ऊपर में हिमालय माउंटेन, ये है हिमालय रेंज दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद में लद्दाख है यहाँ पर, यहाँ पर हिमालय है, इसके बाद में फिर यहाँ पर लद्दाख दिखाई देगा आपको, उसके बाद में फिर लद्दाख के बाद में आपको यहाँ पर आप ढूंढोगे तो आपको आप ये कैसे पूरे बारीक बारीक अक्षर दिखाई दे रहे आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसको बारीक बारीक अक्षर है, तो यहाँ पे आपको ढूंढने से पता चल जाएगा, यहाँ पर आपको अरावली दिखाई देगा, अरावली, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको अरावली के बाद में यहाँ पर ये पर सह्याद्री दिखाई देगा, अरावली के बाद में सह्याद्री आप देखेंगे अच्छे से, तो बारीक बारीक एकदम बारीक अक्षर है ना, आपको अच्छे से इसको देखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे ये पे अरावली एंड सह्याद्री दिखाई देगा। ओके, उसके बाद में आप और ढूंढोगे तो आपको, आपको यहाँ पर और ऐसे माउंटेन वाले माउंटेन दिखाई देंगे, आपको नेम दिखाई देंगे, नीलगिरी है, विंध्या है, ठीक है, उस तरह से आपको ये बहुत सारे यहाँ पर नेम दिखाई देंगे, आप ढूंढोगे इसमें से मैप में से, तो ये बारीक बारीक अक्षर होने की वजह से आपको एकदम से बारीकली खोजना पड़ेगा, ठीक है, इसको अच्छे से। तो आपको यहाँ पर जो माउंटेन है वो हम लोग अगर अच्छे देखेंगे इस मैप को तो हमको हिमालय, लद्दाख, अरावली, सह्याद्री, सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्या, गिरनार, ऐसे और भी आपको नाम यहाँ पर माउंटेन के नजर आएंगे। तो आपको इसमें से, इस मैप में से माउंटेन के नाम खोजना है, ढूंढना है और अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। ओके, वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेम द हिल्स शो ऑन द मैप। अब हिल आपको यहाँ पर देखना, आप इसको अच्छे से ढूंढोगे तो आपको हिल, हिल में ऐसे दिखाई देगा बहुत सारे, जो यहाँ पर देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर गिरनार हिल लिखा है, ठीक है, तो ऐसे हिल आप दिखाई देंगे यहाँ पर, आपको देखोगे तो आपको यहाँ पर सतमाला हिल्स दिखाई दे रहा है, या फिर महादेव हिल्स है, यहाँ पर कैमूर हिल्स है, ठीक है, यहाँ पर रामाहाल हिल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गारो हिल्स है, ठीक है, यहाँ पे नागो हिल्स है, ऐसे आपको यहाँ पर ऐसे अलग अलग हिल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर आपको छोटे अक्षर में ये यहाँ पर आपको क्या लिखा है, ये मिलमला हिल, हाँ, इसको अच्छे से देखोगे तो आपको ये यहाँ पर हिल्स बहुत सारे नजर आएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको ढूंढ कर, इसमें से ढूंढ कर आपको हिल्स के नेम लिखना है, हिल्स यानी पहाड़िया, ठीक है, हिल यानी पहाड़िया, पहाड़ियों के नाम आपको ढूंढकर इसमें से लिखना है। वैसे फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड एंड नेम द प्लेट्यू इन द मैप। प्लेट्यू, प्लेट्यू यानी इसको हम पठार कहते हैं, ठीक है, तो आपको प्लेट्यू यहाँ पर प्लेट्यू भी नजर आएंगे बहुत सारे आपको यहाँ पर, आप ढूंढोगे तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है मारवार प्लेट्यू, ठीक है, ये मारवार का प्लेट्यू दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मारवार प्लेट्यू, फिर यहाँ पे आपको मेवाड़ का प्लेट्यू, उसके बाद छोटा नागपुर का प्लेट्यू दिखाई देगा, उसके बाद में आपको महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना प्लेट्यू, ठीक है, इस पर से ढूंढोगे आप तो आपको यहाँ पर प्लेट्यू नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद में कर्नाटक का भी प्लेट्यू आपको नजर आएगा यहाँ पर आप ढूंढोगे तो, ठीक है,
इस तरह से आपको इस मैप में से ढूंढना है, तो आपको ये सब नजर आएंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, विच रिवर ऑरिजिनेट इन द हिमालयस एंड ज्वाइन द इंडस, कंसिडर द हाइट एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ देयर फ्लो। यानी यहाँ पे क्या बोला है कि हमें हिमालय से निकलकर जो सिंधु नदी में हिमालय से निकलकर जो ज्वाइंट होती है इंडस यानी सिंधु नदी में आकर मिलने वाले जो नदियां है रिवर है उनके नाम लिखना है, और जो ऊंचाई से हाइट से ऊंचाई का विचार करके उनके जो बहने की दिशा है वो हाइट से कौन सी दिशा की ओर बहती है वो भी लिखना है। तो आप जब अगर इन नदियों को देखते हो तो इन नदियों को देखने के बाद में आपको पता चलता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी आपको, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको यहाँ पर झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज है, आपको ये नदियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये नदियां आपको कहाँ से दिखाई दे रही है, ऊपर से है ना, नॉर्थ की तरफ से, यानी जो नदियां वो हिमालय की ओर से बह रही है, झेलम, चिनाब, रावी दिखाई दे रहा है, ठीक है, सतलुज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सभी कहाँ हो रही है, ये सभी नदियां हमको ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करते हुए दिखाई दे रही है, ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करते हुए हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आपको ये आंसर में लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, राइट द नेम्स ऑफ द मेजर रिवर्स विच फ्लो इनटू कोरोमंडल कोस्ट। मैंने हमें बोला है कि कोरोमंडल जो कोस्ट है, तट है, कोरोमंडल तट से जाकर मिलने वाली जो प्रमुख नदियां है उनके नाम लिखने के लिए कहा गया है हमें, ठीक है। तो ये कोरोमंडल तट से जो नदियां है वह जाती है, तो वो कौन सी है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये कावेरी दिखाई देगा, उसके बाद में ये कृष्णा है, उसके बाद में फिर ये गोदावरी है ना, यानी ये कोरोमंडल तट की ओर से बहती है, कोरोमंडल ये दिख रहा है यहाँ पे, कोरोमंडल कोस्ट ये दिखाई दे रहा है, कोरोमंडल कोस्ट की ओर से ये कोरोमंडल कोस्ट लिखा है। तो यहाँ पे हमको कावेरी दिखाई दे रही है, उसके बाद में ये कृष्णा है एंड गोदावरी है, ये रिवर ये बहते हुए जाती है, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स है, स्टडी द कोर्स ऑफ द गंगा, नर्मदा, वेन गंगा, गोदावरी एंड कावेरी रिवर्स, नोट द स्लोप ऑफ द लैंड इन इच बेसिन एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। यानी हमें यहाँ पे बोला है कि जो गंगा है, नर्मदा है, वेन गंगा, गोदावरी और कावेरी जो नदियां है उसके बहने के प्रवाह के मार्ग को देखना है, और उनकी घाटियों की जमीन की ढलान किस दिशा में से किस दिशा की ओर जाती है वो हमें पता नोट करना है, ठीक है। तो जो नदियां है यह उसका डायरेक्शन जो है वह जैसे डायरेक्शन हमको बताना है स्लोप लैंड ऑफ नर्मदा रिवर का, तो हमें दिखेगा कि नर्मदा जो नदी है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है, आप देखोगे इसको इस मैप में तो आपको नर्मदा नदी इससे वेस्ट की ओर दिखाई देंगी, और वेन गंगा रिवर देखोगे तो वो हमको नॉर्थ से साउथ की ओर बहते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप यदि गंगा, गोदावरी और कावेरी नदी को देखते हो तो यह आपको वेस्ट से ईस्ट की ओर बहते हुए दिखाई देंगे, तो आप इसका डायरेक्शन देखकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ओके। उसके बाद में पेज नंबर 46 पर 7 क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लेक्स ऑन द मैप एंड नेम देम। अब हमको यहाँ पर लेक ढूंढने हैं, इस मैप में लेक हमें कौन कौन से दिखाई देते, देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये सॉल्ट लेक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेन गंगा पेन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसके बाद में फिर ये राकस लेक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मानसरोवर लेक दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको लेक ये ढूंढना है, और ढूंढकर यहाँ पर और भी आपको बहुत से लेक्स मिलेंगे, वो ढूंढकर आपको यहाँ पर लेक यानी झील है, ओके। तो ये आपको ढूंढकर यहाँ पर उनके नाम लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड एंड नेम्स द गल्फ एंड द डायरेक्शन इन विच दे आर लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अब यहाँ पर गल्फ यानी खाड़ियां, आपको ये मैप में से खाड़ी जो है बहुत सारी खाड़ियां आपको गल्फ दिखाई देंगे, आप ढूंढोगे तो आपको गल्फ के नाम आपको लिखने हैं, जैसे आपको गल्फ में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कच्छ गल्फ दिखाई देगा है ना, मन्नार का गल्फ दिखाई देगा, आप ढूंढोगे तो उसमें से आपको गल्फ नजर आएंगे, तो आपको ये गल्फ के नेम लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 में, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, स्टडी द वॉटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स ऑफ इंडिया, फाइंड देयर नेम्स एंड राइट द डायरेक्शन इन विच दे आर लोकेटेड। यानी हमें यहाँ पर बोला है 9th वाले क्वेश्चन में कि हमें भारत के जो तीनों ओर का जो जल भाग है उसको देखना है, उनके नाम ढूंढना है, और वो किस दिशा में है उन्हें लिखना है। जैसे हम लोग देखते हैं इस मैप में तो हमें पूर्व की ओर का बंगाल की खाड़ी दिखाई देती है, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं इसको तो हमें दिखाई देता है ओशियन कौन कौन से है, तो
तो उसमें हम अरेबियन सी देख सकते हैं, उसके बाद बंगाल एंड इंडियन ओशन देख सकते हैं, फिर अगर अरेबियन सी वेस्ट से देखें तो हमको अरेबियन सी दिखाई देता है, अगर हम इसमें से देख रहे हैं तो ये अरेबियन सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से हमको जो ये है ये ढूंढ कर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इंडियन ओशन दिखाई देता है हमें, तो ये नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये हमें ढूंढकर यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 में, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि फाइंड द लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ग्रुप्स एंड राइट द नेम्स ऑफ सम ऑफ द इंसलैंड, ठीक है। आइसलैंड के बारे में बोला है हमें, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को ढूंढना है और कुछ जो आइसलैंड है द्वीपों के नाम हमें लिखना है। तो इसके लिए हम लोग जो ये लक्षद्वीप अंडमान निकोबार जो दिख रहा है इसको ढूंढना है, और यहाँ पर जो नाम है वो हमें यहाँ पर देखकर, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये यहाँ पर दिया है हमें अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ये दिख रहा है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद में इधर में लक्षद्वीप है, तो यहाँ के नाम हमको ढूंढकर लिखने हैं कुछ नाम, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, विच रिवर बेसिन इन लोकेटेड इन द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जो नॉर्थ साइड में उत्तर का जो मैदानी प्रदेश है, प्लेन वाला है ना, उत्तर का जो मैदानी नॉर्थ साइड का उत्तर का मैदानी जो प्रदेश है उसमें कुछ प्रमुख नदी है, नदियों की घाटी है, तो वो हमें लिखना है कौन सी नदी की घाटी आती है। वो देखोगे तो आपको गंगा रिवर, यहाँ पर देखोगे ऊपर में तो आपको गंगा रिवर बेसिन में नॉर्थन प्लेन में इंडिया दिखाई देंगे आपको, ये तो वो आपको लिखना है इसके आंसर में, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा मैप में से, आपको ढूंढ के लिखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद में आपको इसके बाद में और यहाँ पर देखो डेजर्ट रीजन दिख रहा है, फिर ये प्लेन्स दिखाई दे रही, किस तरह के मैदानी प्रदेश होते हैं, डेजर्ट रीजन देखा आपने, यहाँ पे प्लेन्स वाला देखा, फिर माउंटेन रीजन देखना है आपको पर्वतीय, फिर यहाँ पे मर्सी रीजन दिखाया हमें, दलदली जिसको बोलते हैं प्रदेश, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या बोला है हमें यहाँ पर, वी लर्न अबाउट द फिजिकल सेटअप ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ द मैप एंड द क्वेश्चन गिवन विथ इट, यानी हमें यहाँ बोला है कि हमें मैप देखना है और उस पर आधारित क्वेश्चन द्वारा भारत में जो फिजिकल वाला मैप देखा उसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। आगे में क्या बोला है हमें सेकेंड पैराग्राफ में कि अवर कंट्री कॉम्प्राइज वेरियस रिवर्स माउंटेन प्लेट्यू प्लेन आइसलैंड एट्सेट्रा, यानी हमारे देश में विविध नदियां हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप है ना, ये सब इससे सजा हुआ है हमारी कंट्री। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय वॉटर ऑन 3 साइड्स एंड टेपर्स टूवर्ड्स द साउथ, फिर क्या बोला यहाँ पर कि जो भारतीय भूखंड है वो तीनों दिशाओं से क्या है, पानी से घिरा हुआ है ना, पानी के चारों ओर में तीनों दिशाओं में, और दक्षिण दिशा में यह सुंडाकार होते हुए भारत के प्रायद्वीप इसको कहते हैं, इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, इसको इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। अवर नॉर्थन बॉर्डर इज डिफाइंड बाय द लोफी हिमालय रेंजेस, ठीक है, अवर कंट्री हैज फॉरेस्ट प्लेन्स एंड डिजर्ट। उसके बाद बोला है कि हमारे जो उत्तरी भाग में नॉर्थ साइड में हिमालय जैसे ऊंची पर्वत श्रेणियां तैयार हुई है, और हमारे देश में वन है, विभाग है, मरुस्थल है इत्यादि हमें दिखाई देते हैं, डेजर्ट्स वगैरह प्लेन है ना, फॉरेस्ट वगैरह दिखाई देता है। फिर क्या बोला है कि द एक्सपांस ऑफ अवर कंट्री इज लार्ज, यानी हमारा देश का जो विस्तार है वह कैसा है, लार्ज है, विशाल है। द हाइट अबव सी लेवल वेरियस एंड गोस अप इवन बियॉन्ड 8,000 मीटर्स, और जो समुद्री सतह है, सी लेवल जो है समुद्री सतह, उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,000 मीटर से अधिक है ना। देयरफॉर द वेदर कंडीशन चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन, उसके कारण जो रीजन टू रीजन प्रदेश अनुसार भारत की जलवायु है उसमें विविधता कंडीशन वेदर हमें चेंज नजर आते हैं। दिस गिव्स राइज टू अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, इसकी वजह से हमें वनस्पतियां जो प्लांट्स है, बर्ड्स है और एनिमल्स है वो भी हमें वैरायटी उनमें भी नजर आती है। सिमिलरली देयर इज ऑल्सो डिफरेंट इन क्रॉप्स कल्टिवेटेड, उसकी वजह से हमें जो फसल है, क्रॉप्स है वो भी हमें उसमें भी वैरायटी हमें नजर आती है वेदर की वजह से, ठीक है। वीट इज अ प्राइमरी क्रॉप इन द नॉर्थ, और जो नॉर्थ है, नॉर्थ एंड उत्तर में गेहूं की फसल है ना, गेहूं की यानी वीट की
जो क्रॉप है वो हमें नजर आती है कहाँ पे, नॉर्थ साइड में। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि वीट इज अ प्राइमरी क्रॉप इन द नॉर्थ। राइस, राइस कहाँ पे नजर आता है, राइस इज अ प्राइमरी क्रॉप इन साउथ, राइस साउथ में। एंड अलोंग द कोस्ट, ठीक है, ज्वार इज प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज स्केल इन सेंट्रल इंडिया। ज्वार जिसको बोलते ज्वारी वो हमें सेंट्रल इंडिया में। एंड दिस डाइवर्सिटी हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ अवर लाइफ स्टाइल, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कल्चर। और इसी के कारण जो हमारी लाइफ स्टाइल है, रीति रिवाज है, वो इस इन इनके वजह से, इस वेदर के वजह से, इस तरह का वहां पर साउथ में हमने देखा कि हमें क्या क्या नजर आता है, नॉर्थ में क्या नजर आता है, सेंट्रल इंडिया में क्या नजर आता है, इसके अनुसार ही हमारा जीवन उस पर निर्भर होता है। ओके, फिर क्या बोला है, पीपल ऑफ मेनी डिफरेंट कोस्टेस ट्राइब्स एंड रिलीजियंस लिव इन अवर कंट्री, मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन, है ना, सबको पता है ये मेनी लैंग्वेजेस है। वी ऑल्सो सी डिफरेंसेस इन फूड, क्लोथिंग एंड फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन इन द डिफरेंट रीजन। और इसी के अनुसार हमारी जातियां, जनजातियां और धर्म के लोग रहते हैं अलग अलग हमारे देश में, है ना, तो उनकी सभी की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो भी अलग अलग होती है। तो उसके अनुसार हमारा खाना, फूड, हमारा पहनावा, क्लोथिंग, फेस्टिवल, त्यौहार, उत्सव, है ना, ये भी हमें अलग अलग सेलिब्रेशन के रूप में डिफरेंट रीजन में अलग अलग प्रकार के मनाए जाते हैं। ओके, हमने यहाँ पर भी देख लिया था डिजर्ट रीजन, प्लेन्स, माउंटेन रीजन एंड मर्सी रीजन देखा था। अब हमें नेक्स्ट पेज 47 पेज नंबर पर हमें अवर कंट्री इंडिया, यानी हमारा देश भारत, है ना, ये दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें मैप दिया और नीचे में क्वेश्चन दिए है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और मैप में से आंसर ढूंढना है। जैसे यहाँ पर स्टडी द पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप दिया है हमें यहाँ पर ऑफ इंडिया गिवन अबाउट द आंसर एंड क्वेश्चन। तो पॉलिटिकल मैप के मैप में से हमें क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। ओके, अब पहला क्या दिया है कि फाइंड अवर स्टेट, कलर इट विथ यूअर फेवरेट कलर एंड राइट द नेम ऑफ इट्स कैपिटल। अब हमें बोला है कि जो हमारा राज्य है, हम कौन से राज्य में रहते हैं, महाराष्ट्र। ओके, तो हमें अपना महाराष्ट्र राज्य पहचानना है और उसको कलर करना है, ठीक है, हमारा राज्य जो है वो पहचानना है और अपने मनपसंद रंग से उसे कलर करना है और राजधानी का नाम लिखना है। तो हमें पता है हमारा कौन सा है, महाराष्ट्र है, तो हमको हम क्या करेंगे यहाँ पर, अपने राष्ट्र जो महाराष्ट्र है उसको कलर करेंगे यहाँ पर। और कलर करके फिर क्या करेंगे, अपने मर्जी से जो कलर करना है यहाँ पे कलर करेंगे और उसकी राजधानी क्या है, मुंबई। ओके, तो हमको कॉपी में आंसर लिखना है। फिर सेकेंड वाला है विच इज द नॉर्थ मोस्ट स्टेट। अब नॉर्थ वाला स्टेट कौन सा है हमारा, अब नॉर्थ यानी क्या होता है, उत्तर, ऊपर का, है ना, नॉर्थ में क्या आता है, जम्मू एंड कश्मीर, दिख रहा है ये, इसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको, इसको फिर हमको लिखना है इसका आंसर, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि विच इज द साउथर्न मोस्ट स्टेट। अब साउथ का हमें देखना है, तो साउथ में क्या आता है, साउथ वाला क्या है यहाँ पर, तमिलनाडु, दिख रहा है ये, तमिलनाडु, तमिलनाडु लिखना है साउथ में। फिर क्वेश्चन फोर्थ क्या है, कलर द स्टेट टू द नॉर्थ ईस्ट इन डिफरेंट कलर्स, राइट देयर नेम्स एंड द नेम्स ऑफ देयर कैपिटल्स। यानी हमें यहाँ पर बोला है कि पूर्व की ओर से, है ना, पूर्व यहाँ से पूर्व की ओर से पश्चिम, पूर्व की ओर के राज्यों को भिन्न भिन्न रंगों से रंगना है। जो पूर्व के जो ये राज्य दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको अलग अलग कलरों से रंगना है और उनकी जो राजधानी है यानी उनकी जो कैपिटल्स है उसके नाम हमें लिखना है, राजधानियों के नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो अरुणाचल प्रदेश है, उसकी क्या है, ईटानगर है ना, राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो उसको इतने पोर्शन को हमको अलग कलर से करना है। फिर असम की दिसपुर है, तो उसको अलग कलर से करना है। फिर नागालैंड की कोहिम्बा है, इसको अलग कलर से। ये मणिपुर है, मणिपुर की इम्फाल, इसको अलग कलर से। फिर ये क्या है, मिजोरम, मिजोरम की ऐजवाल, इसको अलग कलर से। त्रिपुरा अगरतला, इसको अलग कलर से। मेघालय का शिलोंग है, इसको अलग कलर से, ठीक है। इनको आपको अलग अलग कलर से करना है और इनके जो कैपिटल्स है वो आपको लिखना है। ओके, उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है, कलर द लार्जेस्ट स्टेट इन येलो एंड सर्कल इट्स कैपिटल। फिर हमें बोला है कि जो बड़ा राज्य है उसको कलर करना है, हमारे मैप में जो हमें बड़ा दिख रहा है उसको कलर करना है और उसको येलो कलर से रंगना है, उसकी राजधानी जो है कैपिटल है उसको चारों ओर गोला बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है उसमें हम लोग क्या, हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, राजस्थान, ठीक है, ये बड़ा हमें बड़ा स्टेट नजर आ रहा है, बड़ा राज्य है ये, और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, जयपुर है। तो हमको राजस्थान का जो पोर्शन दिख रहा है उसको येलो कलर से कलर करना है और उसकी कैपिटल जयपुर हमें लिखनी है। ओके,
फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट डू द नेम्स इन रेड लेटर शो, फिर हमें यहाँ पर जो लाल अक्षर रेड लेटर जो दिख रही है रेड वाले, ठीक है ये दिख रहा है रेड वाले, ठीक है तो यहाँ पर हमें बोला है कि लाल अक्षर से लिखे गए नाम कौन सा क्षेत्र दर्शाते हैं, क्या हमें बताते हैं रेड लेटर्स क्या हमें शो करते हैं, तो वो हमें बताना है। तो जो रेड लेटर जो दिख रहे हैं हमें, तो द नेम्स इन रेड लेटर्स इन द मैप गिवन ऑन द जो 47 पेज नंबर पे हमें जो रेड लेटर दिख रहे हैं वह क्या शो करते हैं, तो यूनियन टेररिस्ट यानी जिसको हम लोग जो ये हमें दिख रहे हैं यहाँ पर यूनियन टेररिस्ट दिख रही है ये हमें ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये शो करते हैं, तो ये हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है पेज नंबर 48 पेज नंबर पे हमें यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, क्या दिया है, इंडिया इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, है ना, न्यू दिल्ली है कैपिटल, है ना। कंसिडरिंग द एरिया राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट, हमने देखा अभी राजस्थान क्या है लार्जेस्ट स्टेट है इन इंडिया का, है ना। इट इज फॉलो बाय द मध्य प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र इज द थर्ड प्लेस है, गोवा इज स्टेट विद द स्मॉलेस्ट एरिया, और गोवा क्या है स्मॉलेस्ट सबसे छोटा स्टेट है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या बोला है इसमें कि जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है यानी जिसको हम लोग लोकतांत्रिक गणतंत्र कहते राष्ट्र है, इसमें सबसे बड़ा जो हमारी दिल्ली है वो भारत की कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है, और जो फॉलो करता है मध्य प्रदेश, के बाद में मध्य प्रदेश आता है ना, पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश आता है, और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, और गोवा सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है, ओके। इट ट्राइज इसमें हमें क्या बोला है कि लेट इच पर्सन इन द क्लास चूज वन स्टेट, यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट, यानी हमें कक्षा में विद्यार्थी को एक राज्य चुनने के लिए कहना है, और चुने हुए राज्य की जानकारी हमें नीचे पॉइंट्स दिए उसके अनुसार हमें बताने के लिए कहा गया। सबसे पहला है सोशल एंड कल्चर फीचर्स, उसमें लैंग्वेज फेस्टिवल क्लोथिंग डांस फॉर्म्स एक्स्ट्रा बताने के लिए कहा गया है। सोशल होते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं कौन कौन सी है, तो वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ के त्योहार क्या है, वहाँ के फेस्टिवल्स कैसे, उसके पहनावा क्लोथिंग क्या है, डांस कैसा है, नृत्य के प्रकार जिसको कहते हैं वो आपको लिखना है, ओके। सेकेंड में बोला है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स कैसे, उसके भौगोलिक विशेषताएं कैसी, उसका लैंड फॉर्म उसका जो भूरूप होता है वो बताना है, फिर वाटर बॉडीज यानी उसके जिसको हम जल रूप कहते हैं, फिर फॉरेस्ट यानी उनके वन आदि, है हमको ये लिखने के लिए बच्चों को बताने हैं, ओके। फिर आपको ये लिखना है इसके बारे में, ठीक है, सोशल एंड कल्चर फीचर कैसे है हमारे इंडिया के, उसके बाद में ज्योग्राफिकल फीचर कैसे है, तो ये आपको पॉइंट दिए इसके अनुसार आपको कॉपी में लिखना है। फिर क्या बोला है कि यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी न्यूज़पेपर मैगजीन्स द इंटरनेट टेलीविजन एंड यूअर टीचर टू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन, इसके लिए आपको ये जो दिया है ऊपर में सोशल एंड कल्चरल फीचर्स के बारे में ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में, तो यह आपको ढूंढने के लिए इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग स्कूल में लाइब्रेरी का भी यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर जो आता है समाचार पत्र उसका भी यूज कर सकते हैं, मैगजीन्स का भी कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, टेलीविजन में भी देख सकते हैं, और आपके टीचर से भी आप इसके बारे में पूछ सकते हो, ओके। फिर यहाँ पे हमें यूज योर ब्रेन पावर में क्या बोला है, क्वेश्चन दिए हैं कि विच इज द स्टेट नेक्स्ट टू अस विच वॉज फॉर्मड इन 2014 का बोला है कि अपने राज्य का जो पड़ोसी राज्य है जो 2014 में बना वह राज्य कौन सा है, तो कौन सा राज्य बना आप सबको पता होगा, तेलंगाना है ना। क्या सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, स्टेट्स कौन से 29, ओके। फिर इन विच स्टेट इन द ग्रेट इंडिया डेजर्ट मेनली लोकेटेड, कौन सा है, अब हमने देखा था इसमें कि राजस्थान है, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। फिर नाउ मेक चार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड एंड पुट देम अप इन द क्लासरूम, व्हाइल डूइंग दिस डू नॉट फॉरगेट द यूनियन टेररिस्ट इज दिस वे यू विल हैव अ डिस्प्ले ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेररिस्ट यूटी, हाँ यूनियन टेरिटरी का ये फुल फॉर्म है और यूटी शॉर्ट फॉर्म है, इन योर क्लासरूम। यहाँ पे बोला है कि तुम्हें प्रत्येक राज्य की जो विशेषता है वह चार्ट में कक्षा में चिपकानी है, और इसके लिए आपको जो जिसको हम लोग यूनियन टेरिटरी कहते हैं यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, वह भी आपको बताना है उसके बारे में, आपके जो 29 स्टेट है उसके बारे में, और उसकी कैपिटल भी बताने हैं आपको, उसके साथ साथ आपको यूनियन टेरिटरी के बारे में भी आपको क्लासरूम में चार्ट बनाकर चिपकाना है, ओके।
फिर वी ऑल्सो नोटिस डिफरेंसेस इन द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन द डिफरेंट रीजियन. लेट अस फाइंड आउट वेयर द कॉफी टी ऑरेंजेस मैंगोज एक्सेट्रा दैट वी सी इन द मार्केट कम फ्रॉम एंड हाउ दे रीच अस सी द मैप ऑन द टेक्स्ट पेज. यहाँ पे हमें भारत के अलग अलग प्रदेशों के अनुसार वहां के क्रॉप्स फसल के उत्पादन में भी हमें डिफरेंस नजर आता है. हमारे बाजार में या फिर दुकान में हमें चाय कॉफी संतरा ऑरेंज है ना मैंगो आदि वस्तुओं के उत्पादन भी हमें कहा होता है और वो कैसे पहुंचते हम तक वो हम आगे वाले पेज पर पढ़ने वाले. ओके अब यहाँ पर हमें डू यू नो में क्या बोला है कि अपार्ट फ्रॉम द इंडियन मेनलैंड सेवरल ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इंडियन टेरिटरी यानी भारतीय क्षेत्र में भारत की मुख्य भूमि के अलावा अनेक द्वीपे भी इंडियन टेरिटरी भी होती है ना ग्रुप्स आइसलैंड के. तो कौन कौन से है द लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सी जो अरब सागर है अरेबियन सी में लक्षद्वीप समूह है. फिर द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल ठीक है बंगाल की खाड़ी. फिर द कोस्टल आइसलैंड नियर द इंडियन मेनलैंड भारत की जो मुख्य भूमि है उसके पास में क्या है सागर के द्वीप है. फिर क्या बोला है कि ऑल देखो पिक्चर भी दिख रहा है हमें सी फोर्ट जन ये देखो दिख रहा है सी फोर्ट जंजीरा ठीक है. तो ये हमें देखना है सी फोर्ट कैसे दिख रहा है जंजीरा का. तो यहाँ पे क्या बोला कि ऑल दिस आइसलैंड हैव स्ट्रेटेजिक लोकेशंस फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू यानी जो सभी द्वीप के स्थान है वो देश की क्या करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है. लॉन्ग अगो फोर्ट्स वेयर बिल्ट ऑन सम ऑफ दिस आइसलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र टू सेफ गार्ड द कोस्ट. दिस हिस्टोरिकल फोर्ट्स आर नोन एज सी फोर्ट्स. वी कैन सी सेवरल सच फोर्ट्स अलोंग द कोकन कोस्ट. आपने पहले सुना भी होगा कि जो ऐतिहासिक किले होते हैं वो बनाते थे सुरक्षा के दृष्टि से है ना जो महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्र की रक्षा के लिए ऐसे किलों का निर्माण किया जाता था जिसको हम लोग ऐतिहासिक किले कहते हैं जो जल के जल दुर्ग के रूप में जाने जाते थे. कोकन के तट पर ऐसे किले कई स्थानों पर हमें दिखाई देते हैं सुरक्षा के लिए ताकि दूसरे देश के जो लोग होते थे राजा वगैरह जो हमला करते थे तो उसे बचने के लिए दूर से ही हमें पता चल जाता था कि कौन कौन हमारे देश पर हमारे राज्य पर हमला कर रहा है. तो उसके उसके वजह से वो किले बनाए जाते थे अपने देश की या अपने राज्य की सुरक्षा के लिए. ओके फिर हमें 49 पेज पर हमें यहाँ पर मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स यहाँ पर हमें देखो इंडेक्स भी दिया हुआ है इंडिया सम कैश ग्रुप्स एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स ठीक है. इसके बारे में भारत की प्रमुख जो कृषि उपज और परिवहन मार्ग इसका हमें यहाँ पे देखो इंडेक्स में हमें यहाँ पर दिया इंटरनेशनल बाउंड्री उसके लिए क्या कैसे लाइन का यूज किया गया है. फिर स्टेट बाउंड्री के लिए पिंक लाइन दिख रही है. नेशनल कैपिटल ऐसे गोल में दिया हुआ है. अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो दिख रही पॉइंट में दिया है. नेशनल हाईवे को ब्लैक लाइन में दिया है. गोल्डन क्वाड्रिलेटर है ना उसको ग्रीन लाइन में दिया है. फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर उसको ऑरेंज में दिया है. ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर उसको रेड में दिया है. मेजर एयरवे दिया वो ग्रीन डॉट में दिया है. मेजर वाटरवेज को यहाँ पर ब्लू इसमें छोटे डॉट दिया है. फिर यहाँ पर कॉफी को ब्राउन में दिया है. ओनियन दिया है. ये मैंगो है एप्पल है सेफ्रोन है टी है क्लोव्स है जिसको लवंग कहते हैं ये ऑरेंज है. इस तरह से आपको ये साइन भी दिए हैं आप इसके द्वारा भी आप पिक्चर के द्वारा भी आप समझ सकते हो कि कहाँ पर क्या क्या है. ओके तो आपको भी ये मैप में ढूंढना है स्टडी द मैप गिवन अबव केयरफुली देखना है एंड दिस मैप शो सम ऑफ द कैश क्रॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स इन इंडिया. आप क्वेश्चन दिए और आंसर आपको ढूंढना है. जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि फ्रॉम वेयर विल बी ऑब्टेन सेफ्रोन ट्रेस द मोस्ट कन्वीनियंट फ्रूट यानी जो केसर है वो कहाँ से लाना पड़ेगा और उसके लिए जो सुविधाजनक मार्ग है वो हमें पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए कहा गया. अब हमें केसर अब केसर के लिए जिसको हम लोग सेफ्रोन कहते हैं सेफ्रोन के लिए साइन दिख रहा है ऊपर में ये साइन है ठीक है. ये साइन हमें कहाँ दिख रहा है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लिए दिख रहा है. इसको हमें क्या करना है यहाँ पर हमें लाइन कर सकते हैं हम लोग उसके लिए ट्रेस कर सकते हैं इसको लाइन को ठीक है. तो ये हमको यहाँ पे करने के लिए कहा गया है. ओके उसके बाद में फिर हमें सेकेंड क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि इन विच स्टेट इन टी ग्रो
यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। अब टी के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये टी, टी के लिए पिक्चर दिया है, तो आपको ढूंढकर इसका आंसर लिखना है। फिर थर्ड क्वेश्चन दिया है फाइंड द रूट टेकन टू ब्रिंग क्लोज इन टू अवर स्टेट एंड ट्रेस इट, यानी अपने राज्य के जो लॉन्ग है उसको हम लोग, ये दिख रहा है पिक्चर क्लोज, ठीक है, लॉन्ग का भी आपको पिक्चर नजर आएगा यहाँ पर, यहाँ पर ये नीचे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहे हैं। तो आपको ये बोला है कि अपने राज्य में लॉन्ग लाने के लिए मार्ग निश्चित करना है और उस पर पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द स्टेट्स इन विच एप्पल्स आर ग्रोन सर्कल देयर नेम्स। अब सेब के लिए हमको बताया कि सेब का पिक्चर ये एप्पल का दिख रहा है, ये एप्पल के लिए, एप्पल के लिए भी हमें वही कहा गया है कि भारत के कौन से राज्यों में होता है एप्पल, ये दिख रहा है पिक्चर में हमें, यहाँ पर उसको ढूंढना है, उसके जो नाम है जम्मू कश्मीर वहां पे हमको क्या करना है, ऐसे गोल राउंड करना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया है यहाँ पे फाइंड द रूट टू डिलीवर ऑरेंजेस फ्रॉम नागपुर टू बीकानेर एंड ट्रेस इट। फिर हमें बोला है कि नागपुर के जो संतरे हैं वो बीकानेर भेजने के लिए मार्ग निश्चित करना है, तो ऑरेंज हमें ये दिख रहा है, ऑरेंज का देखना है हमें, ऑरेंज ये दिख रहा है बीकानेर जाने के लिए हम कौन से राज्य से मार्ग से जाएंगे, तो वो लाइन को ट्रेस करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है यहाँ पर फाइंड अ रूट टू डिलीवर कॉफी एंड मैंगोस टू वेस्ट बंगाल एंड फ्रेश। फिर यहाँ पर भी बोला है हमें कि कॉफी के लिए हमें पश्चिम बंगाल राज्य में कॉफी और आम भेजने के लिए कौन से मार्ग से जाना चाहिए, पेंसिल से ट्रेस करना है। फिर सेवेंथ क्वेश्चन दिया है कि हाउ विल यू सेंड ओनियन फ्रॉम महाराष्ट्र टू अरुणाचल प्रदेश, ओनियन को सेंड करना है महाराष्ट्र से अरुणाचल प्रदेश की ओर, तो उसके लिए भी हमें लाइन को ट्रेस करना है। तो आपको ये आपका जो ये मैप है, यह मैप देखकर आपको इसमें से ढूंढना है और कॉपी में इसके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ओके। फिर है व्हाट द सॉल्यूशन, व्हाट द सॉल्यूशन में क्या बोला है कि हर्ष एंड तनिष्का लिव इन मुंबई, हर्ष और तनिष्का कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, दे वॉन्ट टू सी द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, वो उन्हें कहा जाना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखना है, फर्स्ट दे आर गोइंग टू सी देयर अंकल इन चेन्नई, सबसे पहले वो कहा जाएंगे अपने मामा के पास चेन्नई जाएंगे, आफ्टर दैट दे विल विजिट द आइसलैंड, उसके बाद में वो जो हमने पेज नंबर 49 ये देखा मैप, इस 49 पेज का जो मैप है ये मैप को, ये मैप मैप के द्वारा वो चेन्नई से अपने मार्ग ढूंढेंगे कि वो कैसे जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वही बोला है कि टू मेक दिस ट्रिप विच ऑफ द रूट रूट्स ऑन द मैप ऑन पेज नंबर 49 विल दे हैव टू टेक, विल यू हेल्प देम बाय ट्रेसिंग दिस रूट ऑन द मैप, तो जो मैप है मैप में इस मार्ग पर पेंसिल फेर कर तुम उसकी मदद कर आपको करनी है, ये मैप में आपको देखना है कि उसके मामा चेन्नई के, तो चेन्नई से हम लोग कैसे लाइन को ट्रेस करके उनको जाना है, तो आपको उसकी हेल्प के द्वारा लाइन ट्रेस करके बतानी है, ओके। उसके बाद में हमारे पेज नंबर 50 पर ऑलवेज रिमेम्बर में बोला है देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड बर्ड्स इन अवर कंट्री, वी कैन इजिली सी दिस इन फॉरेस्ट रीजन, वी मस्ट प्रिजर्व दिस डाइवर्सिटी, यानी हमारे देश में वनस्पतियां एनिमल्स एंड पक्षी है ना बर्ड्स में हमें डिफरेंस नजर आते हैं, और वन प्रदेश में जाने पर यह विविधता हमें आराम से दिखाई देती है, ठीक है, तो इस चेंजेस का जो प्रिजर्व है, प्रिजर्व दिस डाइवर्सिटी, वो हमें संरक्षण करना चाहिए उसके बारे में ना, उसको उसको प्रिजर्व करना चाहिए डाइवर्सिटी को। फिर व्हाट वी हैव लर्न में क्या बोला है, हमने क्या क्या सीखा इस लेसन में, तो फर्स्ट पॉइंट हमने वी स्टडीड इंडिया विद द हेल्प ऑफ मैप्स, यानी हमने भारत के भारत का वर्णन मैप के द्वारा समझा, ठीक है, स्टडी किया। सेकेंड पॉइंट हमें वी स्टडीड द लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज इन इंडिया, फिर हमने भारत के वाटर बॉडीज एंड लैंड फॉर्म्स के बारे में समझा हमने इस लेसन में। फिर थर्ड है थ्रू एक्टिविटीज वी ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस लैंग्वेजेस क्लोज फेस्टिवल एंड अदर फीचर्स ऑफ इंडिया, फिर भारत में जो अलग अलग भाषा है, पहनावे है, त्योहार है, उत्सव है और उनकी विशेषताओं की जानकारी हमने एक्शन के माध्यम से भी इसमें देखी। फिर वी आइडेंटिफाइड सम क्रॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स इन इंडिया, फिर भारत में कुछ कृषि क्रॉप्स के लिए और परिवहन ट्रांसपोर्ट के मार्गों की भी पहचान हमने पेज नंबर 49 वाले मैप में की, ओके। तो ये आपको हमने आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, हमने इस लेसन में मैप के बारे में देखा कि हमारा मैप जो है वो हमारा फ्रेंड होता है, और उसको अगर हम फ्रेंडली उसको अच्छे से देखे समझे तो हम लोगों को आराम से इंडिया में कहाँ क्या क्या है वो हमें इस
लेसन के द्वारा समझ में आ जाता है। ओके, तो सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको मैप देखना है और मैप में से देखकर लेसन के जो क्वेश्चन के आंसर पूछे गए वो आपको सॉल्व करने। ओके, सो सभी बच्चों को आज के लिए इतना ही। सो गुड डे।